सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर और मैं आज कक्षा 4 पर्यावरण का चैप्टर नंबर 3 कैसे जानूं मैं, यह लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कल इसी कक्षा का चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था, अरणिका परिवार, और आज चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके अन्य मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को शेयर करें। तो चैप्टर 3 है कैसे जानूं मैं। इस पाठ में हमें बताया गया है कि हम किस किस साधन से हम जानकारी कर सकते हैं। जैसे हम आँखों से देखकर जानकारी करते हैं, हम नाक से सूंघकर जानकारी करते हैं, हम हाथों से छूकर जानकारी करते हैं, कानों से सुनकर हम जानकारी करते हैं। तो इस पाठ में कैसे हम जानकारी करते हैं, कैसे जानूं मैं, इसकी ही बातें हैं। तो आइए चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। दादाजी अपनी बहू को आवाज़ लगा रहे हैं कि बहू, मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। अब योग शिविर एक प्रकार के जो आसन होते हैं, आसन, योग, प्राणायाम, उसका शिविर लगाया जाता है, उसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं और सब एक साथ बैठकर मिलकर योग करते हैं। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है उसे कहते हैं हम योग शिविर। तो उन्होंने कहा कि मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। तो बहू कहती है, दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी आप साथ ले जाइए। दादाजी कहते हैं, ठीक है, सोनू को भेज दो। अब सोनू उनका पोता है। तो दादाजी कहते हैं, जब वो रास्ते में जा रहे हैं, उस समय की बात है, दादाजी कहते हैं कि रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। अब उसके दादाजी को दिखाई नहीं देता। अब सोनू उनको कहता है, दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया, आपको तो दिखाई नहीं देता। दादाजी कहते हैं, मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है बेटा, तुम भी आँख बंद करके ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। इसका मतलब हुआ, उन्होंने कान से उन्होंने सुना मंदिर की घंटी की आवाज़ आई, तो उनको पता लग गया, सुनकर पता लग गया उनको कि मंदिर आ गया। तो उन्होंने कहा कि कई चीज़ें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। अब आप देखिए इसमें, इस चित्र में ये दादाजी हैं और यहाँ पर ये दादाजी हैं और ये सोनू हैं, ये दोनों जा रहे हैं रास्ते में और ये मंदिर की घंटी की आवाज़ पीछे से उनको सुनाई दे रही है। और मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनकर सोनू के दादाजी को पता लग गया कि मंदिर आ गया है और उन्होंने कहा कि मंदिर के आगे हाथ जोड़ लेता हूँ। तो आपको भी इस प्रकार से जब आप मंदिर के आगे से जाते हैं तो आपको भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। तो अब आप बताइए, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका एक चित्र भी बनाइए। तो सुनने के लिए हमें कान की आवश्यकता होती है, अब कान का चित्र आप बना सकते हैं। फिर लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती है, जैसे एक समस्या दे रखी है कान में मैल जमना, दूसरी समस्या हो सकती है कान में दर्द होना, तीसरी समस्या हो सकती है कम सुनाई देना। तो ये इस प्रकार की कान से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है। कई बार कान में कुछ छोटा जानवर भी, कोई चींटी है, कोई
छोटा कीट पतंगा है वो भी कान में चला जाता है, तो ये भी कान की समस्या हो सकती है। अब कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं? अब इस प्रकार की समस्याओं को बचाने के लिए हमें जहाँ कहीं भी तेज़ आवाज़ होती है उस समय वहाँ हमें जाना नहीं चाहिए। तेज़ आवाज़ में हमें कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। आजकल ईयरफोन का मोबाइल के साथ में उपयोग किया जाता है, तो ईयरफोन का उपयोग कम से कम करना चाहिए, और जब करें तो उसकी आवाज़ कम रखनी चाहिए। तेज़ आवाज़ में ईयरफोन का उपयोग करने से भी सुनने में समस्या पैदा हो सकती है। जहाँ कहीं पटाखे इत्यादि चलाए जाते हैं तो वो बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, वहाँ पर आपको अपने कानों पे हाथ रख लेना चाहिए ताकि आवाज़ आपको कम सुनाई दें। कानों को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए, और साफ़ करते समय कोई लकड़ी कोई नुकीली चीज़ इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि तेल इत्यादि से उसको हम साफ़ कर सकते हैं, और नहीं तो डॉक्टर से हम बात कर सकते हैं कि कौन सी उसमें दवा डालें ताकि कान हमारा साफ़ हो जाए। और कई बाज़ार में इस प्रकार के वो आते हैं कान में डालने के लिए, जिसकी रुई वगैरह लगी होती है, उसकी सहायता से भी हम कान को साफ़ कर सकते हैं। अब दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। अब आप कल्पना करिए कि जब आपको दिखाई नहीं देता है तो वो क्या क्या परेशानी होगी। दिखाई नहीं देता है तो उसे बहुत सी परेशानियां होती है। वो अपने आप कहीं जा नहीं सकते, किसी की सहारे की आवश्यकता पड़ती है, और अंदाजे से कहीं चलेंगे वो तो वो गिर भी सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। तो कहा जाता है कि आंखें हैं तभी उसके लिए संसार की सुंदरता उसको दिखाई देती है। तो आंखों के कारण से असंख्य परेशानियां हो सकती है। आप यदि एक मिनट ये कल्पना करेंगे कि यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप आंख बंद करके 5 मिनट के लिए आप देखिए कि आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है। आपके लिए कोई खाने का सामान आपके लिए लाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा उसमें क्या है, क्या चीज़ आ गई। आप प्लेट में आपको हाथ डालना है, हाथ आपका मेज़ के ऊपर लगेगा। गिलास पकड़ना है, आप कुछ और पकड़ोगे। चलने के लिए आपको सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, आपको चोट लग सकती है, गिर सकते हो आप। तो असंख्य परेशानियाँ आँखें नहीं होने के कारण से होती हैं। तो दादाजी को भी उसी प्रकार से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आगे देखिए, सूंघ कर जानू मैं, ये तो हमने बात की देख कर जानना। अब अगला विषय सूंघ कर जानू। अब सूंघेंगे हम नाक से। दादाजी व सोनू आगे बढ़ चले। एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोले, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियां बन रही है, चलो जलेबियां खाते हैं। अब आप देखिए चित्र में एक हलवाई की दुकान दिखाई गई है, और पीछे गर्मा गर्म जलेबियां बन रही है, और यहाँ पर जलेबियां बनी हुई रखी हुई है, और दादाजी और सोनू वहाँ पर खड़े हैं और वहाँ जलेबियाँ उससे ले रहे हैं। तो ये सूंघ कर उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे जलेबियाँ बन रही है खुशबू से। अब दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही है? जलेबी की सुगंध से पता लगा। सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है उसका चित्र बनाइए। सूंघने के लिए हमें नाक की आवश्यकता होती है, नाक का चित्र बना सकते हैं। आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो उसकी सूची बनाइए। अब आपको नाम लिखना है, आप किसकी सब्जी बनी हुई है आप ये सूंघ कर पहचान सकते हैं। और गैस जल रहा है, गैस अगर लीक हो रही है आप सूंघ कर उसको पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो बालों के तेल लगाते हैं उस तेल को आप सूंघ कर पहचान सकते हैं कि ये तेल नारियल का है या आंवले का तेल है। तो इस प्रकार से हम खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हैं। मसाले है, इलायची की सुगंध है, लौंग की सुगंध है, और धनिया है, जितने भी मसाले हैं आप उनको सूंघ कर पहचान सकते हैं। आप ऐसी सूची बनाएंगे तो बहुत से नाम इसमें लिखे जाएंगे। सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब सर्दी जुकाम हमें हो जाता है तो हमारी सूंघने की शक्ति पर उसका असर पड़ता है, और हम ठीक प्रकार से सूंघ नहीं सकते, हमारा नाक पूरा काम नहीं करता।
और यदि सर्दी जुकाम हमें हो जाता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सर्दी जुकाम के समय जिस रुमाल इत्यादि का हम प्रयोग नाक के लिए करते हैं उसको हमें अलग रखना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि जो भी आगे कोई कपड़ा आया उससे हमने हमारा नाक साफ कर लिया हो। जिस रुमाल से हम पहुँचें उसको हम अलग रखें। हमें ठंडी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, गर्म पानी हमें पीना चाहिए, कोई गर्म देसी काढ़ा पी सकते हैं हम, उससे हमारा जुकाम जल्दी ठीक हो जाएगा। अब अगला है छू कर व चख कर जानना। अब चखेंगे हम मुंह से और छुएंगे हम हमारी त्वचा से, हाथ से छू सकते हैं और चखेंगे तो उस वस्तु को हमें मुंह में डालना पड़ेगा, जीभ हमारी बताएगी कि ये किस प्रकार की वस्तु है। अब दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली बोले आहा जलेबियाँ तो गर्म है। अब ये गर्म उनको किससे पता लगा? हाथ से पता लगा। हाथ की जो उनकी त्वचा है उसने जैसे ही जलेबी को छुआ तो हमारी त्वचा ने तुरंत पता लगा लिया कि ये जलेबी गर्म है। तो सोनू के दादाजी ने जैसे ही जलेबियों को छुआ उनको गर्म का पता लग गया। सोनू ने जलेबी खाते ही कहा वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट भी है। अब ये जैसे ही आपने जलेबी के नाम सुना आप में से कईयों के मुंह में पानी आ गया होगा। तो सोनू ने जैसे ही जलेबी को खाया तो खाने के बाद में उसको पता लगा कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है, तो जीभ ने उसका स्वाद बताया। तभी दादाजी का हाथ पास के पड़े थाल पर पड़ा और उनका हाथ जैसे ही समोसे पे रखा तो उन्होंने कहा अरे समोसे तो ठंडे हैं। तो उनकी त्वचा ने समोसों को भी बता दिया कि वो ठंडे हैं या नहीं है। जलेबी को छुआ वो गर्म थी, समोसों को छुआ वो ठंडे थे। तो दादाजी की त्वचा ने यह बता दिया कि जलेबी तो गर्म है और समोसे ठंडे हैं। तो ये स्पर्श के माध्यम से त्वचा ने इसकी जानकारी बताई। अब देखिए ये दादाजी का हाथ यहाँ पर समोसे के ऊपर लगा हुआ है और उन्होंने देखकर बताया कि समोसा ठंडा है। अब आप देखिए बिना आवाज़ सुने हुए देखे अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करके पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन हैं। आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार बात होगी ये कि आपको आवाज़ नहीं सुननी है, नहीं देखना है, आंख बंद करके ईमानदारी के साथ में आपको स्पर्श करके अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना है और आप ये पहचान के देखना कि आप पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। दूसरा अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास किसी वस्तु को छूकर पता कीजिए कि वह कैसी है, जैसे गर्म है, ठंडी है, गीली है, सूखी है, चिकनी है, खुरदरी है, मुलायम है या कठोर है। तो इस प्रकार से आप जैसे मान लीजिए आपने टेबल के ऊपर हाथ लगाया आंख बंद करके तो आपको पता लगेगा कि वो कठोर है, दबाओगे तो वो दबेगी नहीं, तो इसका मतलब कठोर है। साथ में आप इसके ऊपर हाथ अगर टच करोगे तो वो ऊपर से चिकनी भी होती है तो आपको पता लग गया कि टेबल चिकनी है और कठोर भी है। अगली बात है कि आपके मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीज़ें जैसे नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि एक एक करके आपके मुंह में रखे और बिना देखे चख कर आपको बताना है कि आपके मुंह में क्या रखा है। यह भी एक मज़ेदार खेल होगा। आप अपने बहन के साथ में, आपके भाई के साथ में, अपने माता पिता की सहायता से आप यह भी कर सकते हैं। नमक का प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं और कटे हुए नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, किसी अन्य फल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई सेब का टुकड़ा काट सकते हैं, अमरूद का टुकड़ा काट सकते हैं। तो यह भी एक बहुत ही मज़ेदार खेल है और आपको ये खेलना चाहिए और आपको पता लगाना चाहिए कि आप चख कर चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि आपके मुंह में क्या रखा हुआ है। निश्चित रूप से शानदार खेल है, आपको इसका पता लगाकर इस खेल का आनंद लेना चाहिए। अब छूना अच्छा नहीं लगता। दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेर कर गाल पर हल्की सी थपकी लगाते हुए प्यार से कहा ये लो तुम्हारी जलेबियाँ। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थाम कर दादाजी से पूछने लगा दादाजी आपको छूना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है, लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊजी
मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये एक बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण बात बताई गई है और आप सब बच्चों को इसका ध्यान भी रखना चाहिए कि आपको कोई किस प्रकार से छूता है। यदि उसके छूने से आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको तुरंत ही यह बात अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने चाचा से, चाची से, अपने दादा से, दादी से, जो घर में आपके बड़े हैं, उनको आपको ज़रूर बताना चाहिए कि वो व्यक्ति मेरे को ऐसे उसने छुआ और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसके दादाजी ने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। सुन उनका, ठीक है दादाजी। दादाजी, हमें कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। ये दादाजी ने कहा है कि यदि आपको कोई छूना अच्छा नहीं, मना कर देना चाहिए, चाहे वो आपके कितना ही नज़दीक क्यों ना हो। डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से भी कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी, सभी आप बालक, ये बात मन में अच्छी प्रकार से पक्की कर लीजिए कि यदि आपको कोई छूता है, आपके गाल को छूता है, आपके कोई हाथ को छूता है, कहीं और पीठ पे आपके हाथ वो लगाता है और आपको अच्छा नहीं लगे, तो आपको उसे भी मना कर देना चाहिए और यह बात आपको 100% निश्चित रूप से अपने घर में जो आपके बड़े हैं उनको आपको ज़रूर बताना चाहिए। अपनी माता को बताइए, अपने पिता को बताइए, और ऐसे छूने वाला चाहे कोई भी हो, आपका कोई रिश्तेदार है, तो भी आपको बताना चाहिए। ये आप मन में पक्का निश्चय कर लीजिए, डरना नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगा, क्यों? आप याद करके देखिए, आप बैठ के याद कीजिए कि आपको किस किस ने कभी ऐसे छुआ था जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो आपको मन में चिंतन करना चाहिए। और लेट हो गए तो भी बता दीजिए, अगर कभी पहले किसी ने छुआ था आपको, आपको अच्छा नहीं लगा, अब बता दीजिए। वो अपने माताजी को, अपने पिताजी को, दादाजी को ये बात आपको बतानी चाहिए। तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? यदि तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो उसी समय उनको मना करोगे, उसका हाथ पकड़ के दूर कर दीजिए, वहाँ से आप चले जाइए और अपनी मम्मी को, पापा को, बड़ों को ये बात आप बताइए। अब देखिए, इस पाठ में हमने देखा कि आँख, जीभ, कान, नाक और हमारी त्वचा यानी हाथ, इसके द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त किया। अब छोटी सी कविता है, नयन देखते चांद सितारे, यानी आँखों का काम है देखने का। आँखें चांद देखती है, सितारे देखती है और सुंदर सुंदर दृश्य देखती है। जीभ सदा लेती चटखारे, यानी जीभ है वो हमेशा स्वाद लेती है। कान सुना करते हैं ढम ढम, और कानों का काम है सुनने का। नाक सूंघती गंध सुगंध, नाक का काम है सूंघना। अच्छी सुगंध, अच्छी गंध होगी तो उसे हम सुगंध कहेंगे, और गंध का अर्थ होता है किसी प्रकार की यदि गंध आ रही है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। हाथ बताते चाय गर्म, और हाथ यानी हमारी जो त्वचा है उसका काम स्पर्श के माध्यम से बताना है, गर्म है, ठंडा है, खुरदरा, कठोर, मुलायम, कैसा है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम, ये जो हमारी पांच इंद्रियां हैं उनको कहा गया है ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि इनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम पहचान करते हैं। अब आपसे कोई पूछे हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां कौन सी है, तो आँख, नाक और जीभ, कान और त्वचा। आपने देखा कि आँख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श से हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं और ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। अब आप देखिए, आँख, कान, नाक, जीभ, स्पर्श यानी त्वचा, इससे हम आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं और ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। यह आवश्यक है कि इनकी संभाल करें, प्रतिदिन की साफ सफाई करें और निम्नांकित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों को हमें अच्छा रखना है, इसलिए उनकी देखभाल करनी है, संभाल करनी है, प्रतिदिन इसकी साफ सफाई हमें करनी चाहिए। अब देखिए, अब साफ सफाई करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, कान को साफ करने के लिए कान में
कोई तीखी चीज़ जैसे पेन पेंसिल आदि बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, कान का पर्दा फट सकता है, कान हमारा ख़राब हो सकता है। कान को तेज़ सर्दी व गर्मी से भी बचाना चाहिए, तेज़ सर्दी है तेज़ गर्मी है, कान को ढककर उसको बचाना चाहिए। नाक में अंगुली को कभी भी नहीं डालना चाहिए, और जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें, इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं। आँखों को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक न मसलें, ऐसे आँखों को बार बार हाथ से मसलना नहीं चाहिए। एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, लेट कर नहीं पढ़ें और टीवी कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक नहीं देखें। लगातार आप बहुत देर तक टीवी कंप्यूटर को देखेंगे तो उससे आपकी आँखों पर गलत प्रभाव पड़ता है। रोज़ सुबह दांत साफ़ करने के साथ जीभ को भी साफ़ करना चाहिए। हम दांतों को साफ़ कर लेते हैं, मंजन कर लेते हैं ब्रश की सहायता से, लेकिन जीभ को साफ़ नहीं करते। जीभ को भी, जीभ ही एक होती है प्लास्टिक या स्टील की होती है, उससे जीभ को भी धीरे धीरे साफ़ करना चाहिए। और रोज़ मल मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ़ करते हुए नहाना चाहिए। मल मल कर के मतलब है ऐसे हाथ से मसल कर रगड़ कर पूरे शरीर को अच्छी प्रकार से साफ करना चाहिए, साबुन का उपयोग करना चाहिए और शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने सिर के साबुन लगा ली और हमने हाथों के नहीं लगाई है, सिर हाथ पैर पीठ सीना गर्दन सभी जगह मुंह सभी जगह अच्छी प्रकार से हमें सफाई करनी चाहिए। कोई भी दर्द हो कोई समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसे उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। कई बार आलस्य करते रहते हैं हम दिखाने के लिए और किसी को बताने के लिए, फिर वो जो रोग है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए कोई भी दर्द समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह से अवश्य हाथ धोने चाहिए। खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए और शौच के बाद में अच्छी प्रकार से मसल कर साबुन से हाथ धोने चाहिए। और आजकल तो वैसे भी कोरोना का समय चल रहा है तो इसमें तो हाथों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दिन में कई बार साबुन से मसल कर अच्छी प्रकार से हमें हाथ धोने चाहिए। पहले कभी कभी कुछ लोग ठीक से देख बोल या सुन नहीं पाते, परंतु वे भी हमारी तरह सामान्य लोग हैं और बाकी काम हमारी तरह कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें और जहां आवश्यकता हो उनकी हमें मदद करनी चाहिए। कई बार हमें दिखाई देते हैं इस प्रकार के, कक्षा में भी बालक होते हैं जिनको कुछ कम दिखाई देता है, ऐसे बालक होते हैं जिनके कोई एक पैर खराब है एक उनका हाथ खराब है, तो इस प्रकार से वे लोग जो ठीक प्रकार से देख बोल या सुन नहीं पाते या अन्य किसी प्रकार की समस्या होती है उनकी हमें मदद करनी चाहिए। अब बंद आँखों से आपको कौन कौन से काम करने में कठिनाई होती है सूची बनाइए। आप आँखें बंद कीजिए और सोचिए कि अब आपने आंखें बंद कर लिए तो कौन कौन से काम आपके लिए मुश्किल है, ये आपको सोच कर लिखना है, एक सूची बनानी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक से देख बोल या सुन नहीं सकते तो उनसे मित्रता करो और जानो कि वे अपनी इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। यदि को वो व्यक्ति कोई बड़े हैं तो आप अपने किसी बड़े को साथ में ले जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं। आप उन्हें पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन सा काम करने में आपको परेशानी होती है, क्या दिक्कत होती है, तो वो आपको बता देंगे। जो आपको बताते हैं अच्छी प्रकार से आप सुनिए और उसको नोट कर लीजिए। अब इस अध्याय में हमने सीखा कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी है, नाक कान आँख जीभ और त्वचा, इससे हम अपने आसपास की दुनिया को जानते हैं समझते हैं और पहचानते हैं। और हमें स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए और अपनी ज्ञानेंद्रियों को साफ रखना चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा न लगे तो हमें उसे स्पष्ट मना कर देना चाहिए और घर वालों को जरूर बताना चाहिए। इसके बाद में है हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं नाम लिखिए, तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आप उनके नाम लिख देंगे, आँख कान नाक जीभ और त्वचा। विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, विशेष योग्यजन यानी जिसके किसी प्रकार की कोई समस्या है उसके प्रति हमारा व्यवहार दया का होना चाहिए, उनकी हमें सहायता करनी चाहिए।
उनका हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनसे हमें प्यार से स्नेह से बात करनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा पाठ था और उसमें हमने जाना कि किस प्रकार से हमारी शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसकी सहायता से हम कैसे कैसे हम जान सकते हैं और कौन कौन सी जानकारी हम कर सकते हैं। तो कैसे जानूं मैं, ये पाठ हमने पढ़ा। आपको इस पाठ में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये आपको परेशानी है, कोई प्रश्न का उत्तर आपको जानना है, तो आप वो लिखिए, आपका उत्तर उसमें दिया जाएगा। अच्छी प्रकार से पाठ को पढ़िए, साफ साफ सुंदर अक्षरों में आप अपना अंगीकार कीजिए।